गाइस स्वागत है आपका YouTube के एक और नई वीडियो में। आज देख सकते हैं हम लेके आ गए फिर से आपके लिए बलेरो नियो की मॉडिफिकेशन, और इसमें आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या काम हो रहा है भाई गाड़ी में। देख सकते हो आगे ABS गार्ड लग रहा है, फॉग लैंप्स इंस्टॉल हुए हैं, ग्रिल की क्रोम इंस्टॉल करी गई है, और साथ में साइड बिडिंग वगैरह भी आ गई इंस्टॉल होने के लिए। साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, फुटरेस्ट हमने इस पे इंस्टॉल कर दिया, वेलकम प्लेट लगा दिया, और ये स्टेयरिंग अभी स्टिच हो रहा है डुअल टोन में। स्टिच होने के बाद मैं दिखाता हूँ कैसा लगने वाला है ये। इसका हैंडल वगैरह भी हम इसमें पूरा लेदर पैनल लगा रहे हैं इसमें, और कैमरा की भी इंस्टॉलेशन अभी चालू है। सीट कवर्स कुछ इस कलर के रहने वाले हैं इस गाड़ी के लिए भाई, और भाई मतलब ना पूरी गाड़ी बेस टू टॉप कर रहे हैं। स्क्रीन भी आप देख सकते हो इसमें इंस्टॉल करी है। थोड़ा सा वेट करो, आपको पूरा दिखाने वाले हैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशन करके दिए और कितने रुपये में हमने पूरा काम करा। तो गाइज वीडियो में बने रहना, वीडियो स्किप मत करना, हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो गाइस अपने बलेरो नियो का काम कंप्लीट हो चुका है, पूरी बेस मॉडल आई है, N4 आई है, देख सकते हो काम कंप्लीट है। विजय भैया हमारे साथ है, थोड़ी सी डिटेल देने वाले क्या क्या गाड़ी में करके दिया। विजय भैया स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो भैया ये गाड़ी आई है हमारी भरतपुर राजस्थान से, और ये N4 है। ठीक है भैया, और इसमें हमने सारा कुछ लगाया है। ठीक है, आपको सारा कुछ बताता हूं। ठीक है भैया, सबसे पहला नंबर महिंद्रा जैनमन पूरी बैजल के साथ, इसकी फोक लाइट लगा है। ठीक है, महिंद्रा जैनमन ठीक है। हेडलाइट स्टॉक है, इसके अंदर LED लगा है 165 वाट ऑटो मैक्स का। ठीक है, थ्रो भी देख लो भाई, थ्रो अच्छी रहने वाली। ABS गार्ड लगी है। ठीक है भैया, जो कि वेलकम ब्रांड का है। ठीक है, वेलकम ब्रांड आप देख सकते हो। महिंद्रा का लॉक वाली है, पेस्टिंग वाली नहीं है, लॉक वाली छल्ला लगा है इसके अंदर। ठीक है, जेन्युइन पार्ट रहने वाला, जेन्युइन पार्ट। इसके साथ व्हील कैप लगा है। ठीक है, व्हील कैप आप देख सकते हो भाई। सामने फुटरेस्ट है, आप खड़े हो जाओ, फुटरेस्ट देख लो भाई, बहुत बढ़िया सॉलिड क्वालिटी की रहने वाली है भैया, पूरे देख जैसे आपको दिखा रहे हैं। एंड इसके बाद लोअर विंडो गार्निश लगी है, हैंडल क्रोम लगा है, रूफ रेल लगी है, डुरवाइजर महिंद्रा से लगा हुआ था। ठीक है, साथ में आपके पास ऑप्शन है, आप साइड ग्लास एडजस्टिंग वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है भैया, पीछे से देखते हैं क्या क्या करके दिया हमने। टेल लाइट क्रोम लगी है। ठीक है भैया, इसके बाद आपको ये स्पॉइलर लगा है। ठीक है, ये आफ्टर मार्केट रहने वाली भैया, ये आफ्टर मार्केट है, जेन्युइन भी मिल गया, फिटिंग है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। इसके बाद इसमें रियर गार्ड महिंद्रा ने लगाया है, पर अपने पास ऑप्शन है सेम डिस्टो और महिंद्रा से कम प्राइस में आपको हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, और इससे मजबूती भी ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, और पीछे का भी एक क्रोम देख सकते हो, ये भी लगाया गया, टेल लाइट क्रोम भी लगाया है। ठीक है, हैंडल क्रोम हो गया, हुआ है बेस मॉडल का। ठीक है, बिना कंट्रोल्स के आता था। ठीक है भैया, और पीछे के एक बार सीट दिखा देते हैं, सीट आप देख लीजिए, डायमंड डायमंड डिजाइन में सीट बोर्ड है। ठीक है भैया, कलर में। ठीक है, और आपके पास यहाँ भी ऑप्शन है, आप पिलर सारे करा सकते हैं। ठीक है, तो चारों पिलर का भी ऑप्शन है, चारों पिलर करा सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमारा पीछे का हो गया, करते हैं फ्रंट पे देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो ये हमारा वेलकम प्लेट है, जो चारों डोर ओपन होने पे लाइट जलता है, या सिंगल डोर ओपन करो तो भी लाइट जलेगा। ठीक है भैया, ठीक है, ये हमारा रियर सीट कवर है, फिटिंग फिनिशिंग सब कुछ चेक कर लीजिए भाई, A1 फिटिंग है देख सकते हो। सबसे कमाल की चीज हमारे पास एक ऑप्शन आप लोगों के लिए और है, जो N10 में आता है, N4 में नहीं आता, ये सीट फोल्ड नहीं होता। ठीक है भैया, ठीक है, तो भाई इसके अंदर आप यहाँ पे मशीन जो गाड़ी होता है वो आप हमसे लगवा के इसको फोल्ड कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी रहने वाला, वो भी ऑप्शन है। साथ में यहाँ आर्मरेस्ट नहीं आता, N4 में आप आर्मरेस्ट भी लगवा सकते हैं ग्लास होल्डर के साथ। ठीक है भैया, तो भाई ऑप्शंस और भी रहने वाले, मॉडिफिकेशन आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसकी और हो जाएंगी। बाकी ये हमारा फ्लोरिंग मैट है। ठीक है भैया, देख सकते हैं भाई फ्लोरिंग क्रोकोडाइल फिनिश वाली रहने वाली है। ठीक है भैया, इसमें और भी ऑप्शन है, यहाँ लाइटर नहीं आते, यहाँ पे चार्जर पॉइंट भी लग गया। ठीक है भैया, चलो ये भी लग गया, सेम कंपनी की तरह, आगे देखेंगे आगे भी ऐसा। ठीक है, अभी बार आगे देख लेते हैं, तो आगे से भी देख लो भाई, फिटिंग बहुत ही बढ़िया रहने वाली, जैसे सीट कवर्स की भैया ने दिखाई, स्टिचिंग भी एकदम प्रॉपर है,
और थाई सपोर्ट में देख सकता हूँ मुझे भैया, रहने वाला है पूरे सीटों में थाई सपोर्ट के साथ है, आपके सामने देख लीजिए। ठीक है भैया, आपको महिंद्रा वाले ही हैरान हो जाएंगे सीट देख के कि भाई मैंने तो सीट ऐसा दिया नहीं था। ठीक है, अमरेश कहाँ से आ गई? और तो ये हमारा अमरेश, ये तो हम ऑलमोस्ट हर बैलरों में लगा ही रहे। ठीक है भैया, ठीक है जी, ठीक है, ये देख सकते हो, देख लो यहाँ से गैपिंग भी नहीं है, कोई गैपिंग भी आप देख लो भाई, कोई गैपिंग नहीं मिलने वाली। एंड्रॉइड में देख सकते हो मुझे भी लगा है, पियानो फिनिश के फिटिंग के साथ। ठीक है, आपको एंड्रॉइड है, ठीक है भाई, भी आपको ऑन साइड गारंटी वाला है, मैपा इंडिया का है जो कि महिंद्रा का ओएम प्रोडक्ट है। ठीक है, कितने से शुरू होने वाले एंड्रॉइड भी अपने? एंड्रॉइड 4,000-4,500 से शुरू हो जाता है। ठीक है भैया, और यहाँ देख सकते हो कवर भी मूव डिजाइन में डबल कलर में है, ये भी आप चेकआउट कर लीजिए। ठीक है भैया, ठीक है, और जो पूरा स्टीयरिंग चेंज हुआ था भैया, पूरा स्टीयरिंग चेंज हुआ है, इसका स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं आता, पूरा कंट्रोल्स वाला बना। ये देखिए, अच्छा इसमें स्टीयरिंग चेंज का ही ऑप्शन है भैया, हाँ, इसमें कंट्रोल्स नहीं लगता, कंट्रोल नहीं लगता अकेला। ठीक है, ठीक है, वर्किंग भी रहने वाला है, डंडी है, मैंने वहाँ पे बताया था, डंडी हट के आपको स्कॉर्पियो और गाड़ियों की तरह यहाँ पे स्विच आ जाएगा, जिससे आप एडजस्ट, अब वहाँ से मुझे एडजस्ट करना होगा तो हाथ नहीं पहुँचेगा। बिल्कुल भैया, आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है चेंज करने का भाई, ये भी रहने वाला है। बाकी और भी बहुत सारी और मॉडिफिकेशन भी इस गाड़ी की है, पिलर्स हो गए, इसमें रूफ लाइट भी लग जाती है, यहाँ पे बीएनए नहीं लगवाए। ठीक है, आप रूफ लाइट भी लगवा सकते हैं, जो सनग्लास होल्डर होता है ऊपर छत पे, एंटीना नहीं आता, एंटीना लगाया है। चलो, वो इस सब गाड़ी के लिए हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन है। ठीक है भैया, ठीक है, और बाद बाकी काम का जो क्वालिटी है वो हमारा मेंटेन है, और कोशिश यही होता है कि हमारा अच्छा से अच्छा काम हो, अच्छा सेटअप चलता रहे, दोबारा कस्टमर को हमारे तक आने का मौका मिले। बिल्कुल भैया, तो कस्टमर आती है भैया, फिर रिव्यू ले लेते हैं कि काम कैसा हुआ है। तो भैया ने N4 लेके आए थे, और N4 के साथ अब ये की भी N10 के लेके जा रहे हैं भाई, मतलब मॉडिफिकेशन सिर्फ गाड़ी की नहीं है, उसकी चाबी तक की भी कर दी है, देख लो भाई पूरी, आपको लगेगा कि लॉक अनलॉक नहीं हो रहा है, देख लो भाई सारी चीजें वर्किंग, और महिंद्रा का लोगो भी देख सकते हो भैया, पूरा प्रॉपर रहने वाला, चेक कर लीजिए, देख लो भाई बहुत बढ़िया रहने वाला, और इसी से स्टार्ट भी होगी, तो स्टार्ट भी करके एक बार आपको दिखा देते गाड़ी, तो ये देख सकते हो भाई। तो ये कार के ओनर भी हमारे साथ आ चुके हैं, जानते हैं भैया, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया दिया राजस्थान से आए हैं, जानते हैं क्या नाम है इनका, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विवेक शर्मा है। ठीक है भैया, राजस्थान से आए। ठीक है, कैसे हमारी शॉप के बारे में पता चला भैया? मैंने यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो देखे थे। ठीक है, उसमें काम भी अच्छा लगा और जेन्युइन रेट्स लगी। फर्स्ट टाइम आया शॉप पे? फर्स्ट टाइम। देख सकते हो भैया फिटिंग पूरी आपकी गाड़ी की हो चुकी है, सीट कवर्स में आप बैठे हैं, कैसी फीलिंग आ रही है सीट कवर में बैठे हैं? ठीक है, फिनिशिंग फिटिंग में बात करूं, कोई ऐसा तो नहीं है भैया, कोई इसमें कोई रिंकल वगैरह तो कुछ नहीं है भैया? रिंकल वगैरह कुछ नहीं है। बाकी फिनिशिंग में बात करूं विजय भैया, सीट कवर अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, और मैं भैया से पूछना चाहूंगा, भैया आपने N10 ना लेके N4 लिए, और आज आपकी गाड़ी में कैसा फीलिंग हो रहा है आपको बैठने के लिए? मैंने ली थी बेस मॉडल। अच्छा, मैं क्योंकि आप N10 भी लेते तो आपको सीट पर लगवाना पड़ता, सीट पर उसमें भी नहीं आता। ठीक है, आपको ये अमरेश जरूर मिलता, पर आपने N4 लेने वक्त आपको था ये कि हमारी गाड़ी में भी ऐसा ही N10 की तरह अमरेश लग जाएगा। तो फिटिंग वाइज ओवर वाइज पूछूं विजय भाई, अगर मैं पूछूं तो बलेरो न्यू में इस गाड़ी में हम पूछे तो कितने तक हमने काम करके दिया है, और क्या कोई बजट को लेके आए कस्टमर, या कितना भी बजट में काम हो जाता है, कैसे रहने वाला भैया? ग्राहक का जो बजट होगा 40-50-60-70 हजार, हमने 2.5 लाख तक के काम कर रखे हैं। अच्छा, तो एक अच्छी मॉडिफिकेशन बोलो तो 40-50 हजार में कर देंगे, 50-60 हजार में हो जाता है, 1 लाख रुपए में बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम हो जाता है। तो ठीक है भैया, ओवरऑल काम से सेटिस्फाइड है भैया? अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे किस स्टाइल कार के? चलिए, ठीक है भैया, तो मैं उम्मीद करता हूँ पहला एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा होगा भैया क्रिस्टल कार के पे, और आपके आने वाले टाइम में भी काफी गाड़ियां हम बनाएं ऐसा हम चाहेंगे। आपके साथ में 4-5 बलेरो खड़ी है, कोई हमसे नाराज तो नहीं है कि उनकी गाड़ी में कुछ तोड़ फाड़ दिया, कुछ काम खराब कर रहा हूं? अच्छा विजय भैया, 4-5 बलेरो और आ रखी है, तो उन सबकी वीडियोज गाइस आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, सिंगल सिंगल सबकी वीडियोज मिलने वाली है। तो करते हैं फिर विजय भैया आज की वीडियो यहीं खत्म, तो ये वीडियो आज भाई हम यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच भैया अपने टाइम देने के लिए। गाइस अगर आपको भी अपनी बलेरो नियो की मॉडिफिकेशन करानी है, किसी भी गाड़ी करानी हो, तो आप विजिट कर सकते हैं क्रिस्टल कार केयर करोल बाग में, तो आप बेझिझक होकर आ सकते हैं। अब हम करते हैं गाइस इस वीडियो को यहीं खत्म, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई गाड़ी की मॉडिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।